गुड इवनिंग। तो हमर ऑलरेडी दुटा क्लास सरी जाइछि, आज आम पार्ट थ्री स्टार्ट करिबा। तो किछटा डिफरेंट टाइप रा में एग्जांपल स्टार्ट करिबा। तो आज क्लास रा फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एन एपी इफ टीएन मीन्स एंथ टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1। टीएन मीन्स एंथ टर्म, टी मीन्स टर्म, एन एंथ टर्म। इन एन एपी इफ एंथ टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1, देन क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम करिबा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन सेम एग्जांपल करिबा समेशन ऑफ एन टर्म। क्वेश्चन रो मीनिंग कौन से कहि इन एन एपी इफ एंथ टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तार माने हला जदि हम एन जगह रे 1 पकेबा, एठी भी एन जगह 1 पकेबा, ताले टी 1 दैट इज टी 1 कौन हो ना 2 इनटू 1 माइनस 1 दैट इज 2 इनटू 1 2 2 माइनस 1 केते 1 ना। जदि मु एन जगह रे 2 पकेबी दैट इज 2 इनटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 3 ना। जदि मु एन जगह रे 3 पकेली दैट इज टी इज इक्वल टू 3 देन दैट इज 2 इनटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 5। तमने क्वेश्चन कोन कहूची जे क्वेश्चन रे से सीरीज टा को से एक्सप्रेस करूची एंथ टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1, त माने से सीरीज टा कोन पछारची ना फर्स्ट टर्म जेतले एन जगह रे 1 पकेलासला 1, एन जगह रे 2 पकेलासला 3, एन जगह रे 3 पकेलासला 5, ताले एन जगह जदि हम 4 पकेबा ताले आसी जबो केते ना 7। देखो डाउट होली देखो 2 इनटू 4 माइनस 1 दैट इज 7, ता माने इनडायरेक्टली से सीरीज टा कोन कहूची जे सीरीज टा से कहूची जे 1 3 5 7 लाइक दिस। तो पता चला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस केते ना 2 2 2 दैट इज प्लस 2। देखो प्लस 2 कहीं आम सीरीज एपी सीरीज फॉर्मेट, देखो ऑप्शन में थाई परे प्लस 2 थाई परे माइनस 2 भी थाई परे, ऑप्शन में प्लस 2 थाई परे माइनस, तुम को 2 2 2 डिफरेंस। देखो आम सीरीज पढ़े ए ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, आम एपी सीरीज फॉर्मेट हो ए ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 लाइक दिस। तमने फर्स्ट टर्म रु सेकेंड टर्म जी एड हो दैट इज द डी, ताले फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 3, ताले ए ए प्लस डी, ताले एठी डी जार केता आइ छी 3, देन ए प्लस डी प्लस डी ए प्लस 2 डी हो, देन डी केता आइ छी 2। बट जदि सीरीज टाइ भला थांता 7 5 3 1 ताले सेही केस रा में डी कहि तांदे माइनस 2, बट हमर कोन आसीला 1 3 5 7 लाइक दिस। ताले हमर क्वेश्चन कोन हबो से पचतला कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन दैट इज प्लस 2 2 प्लस 2। देन सेम क्वेश्चन से कौन पचारी पारे, आई थिंक इज इट क्लियर। सेम क्वेश्चन कौन पचारी पारे, जे सेम क्वेश्चन पचारी छी इन एन एपी इफ एंथ टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 देन फाइंड एसएन, देन फाइंड एसएन दैट इज समेशन ऑफ एन टर्म। देखो ए टाइप रो क्वेश्चन जे देखियो हम जे कि ब्लाइंडली आंसर बाहर कर चक्कर में फार्मूला डिराइव करिया को जीवा बदल रे जहां ऑप्शन दी चाहे ताकू देखि देबा। देखियो हम ऑप्शन कोन अछि, तले ऑप्शन को छि एन स्क्वायर, देन सेकंड ऑप्शन एन होल इनटू एन प्लस 1 अपॉन 2, देन थर्ड ऑप्शन एन स्क्वायर माइनस 1, देन फोर्थ ऑप्शन एन स्क्वायर प्लस 1। देखो आम बाहर करा बट आम बाहर करने अपेक्षा तार ऑप्शन को चेक करदे तुमको बहुत कम टाइम लगे। आम ए देखी जदि टी एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 हुए, जदि टी एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 हुए, तेल आम 1 2 3 4 पक चेक करते आम सीरीजा कौन आसाला 1 3 5 7 लाइक दिस। तेल से क्वेश्चन पचार समेसन अफ एन टर्म, तेल आम जगह एस जगह जब 1 पकेबा तेल के दरकार 1, अरे एस जगह एन सरी एन जगह जब 1 पकेबा तो मैंने समेसन अफ 1 टर्म, समेसन अफ 1 टर्म मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म। जब एन जगह 2 पकेबी दैट इज समेसन अफ 2 टर्म, समेसन अफ 2 टर्म मीन्स 1 प्लस 3। जब एन जगह 3 पकेबी दैट मीन्स समेसन अफ 3 टर्म दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5। आज देख लमें जानते समेसन अफ 1 टर्म के समेसन अफ 1 टर्म के दैट इज 1 हम। अच्छा 1 पकेले 1 स्क्वायर 1 हाँ हम,
दैट इज 1 * 1 * 2 / 2 हां एठी 1 आसी बट एटा 1 स्क्वायर माइनस 1 0 दैट मींस ये हेवर चांस नै ये बोलसो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 तले ये हेवर चांस नै काहे कि आई एम रिपीटिंग मु कहली जदी हमर समेशन ऑफ n पचारी छी देन सपोज मु कहूची फर्स्ट ऑप्शन हबो कि नै आंसर मु चेक करूची जदी मु पकेबी समेशन ऑफ 1 टर्म समेशन ऑफ 1 टर्म माने के केवल 1 हबो पर जदी मु पकेबी समेशन ऑफ 2 टर्म तले समेशन ऑफ 2 टर्म के हबो ना 1 प्लस 3 दैट इज 4 हबो तले सेही हिसाब रे मु देखु छी ये अंक भितरु ऑप्शन भितरु कोटा चेक कर छी अच्छा मु जानि छी समेशन ऑफ 1 टर्म केते हबा दरकार 1 त मन जगह रे मु n जगह रे 1 पकेबी तले समेशन ऑफ 1 टर्म नो 1 हबो तले देखले एठी जदी मु पकेउ छी धन्य सपोज मु कहउ छी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर दैट इज समेशन ऑफ n टर्म समेशन ऑफ n टर्म हमर पचार छी धनजी हम पचार ली छी समेशन ऑफ n टर्म हो छी n स्क्वायर तले यदि मु n जगह 1 पकेबी मोर आंसर आसी 1 तले ऑप्शन देखि मैच करू छी कि अच्छा 1 रो स्क्वायर तो 1 हां ये तो ऑप्शन मैच करू छी बट ता माने जी आंसर ऑप्शन देखि सिगारे नै हम सेकंड ऑप्शन देखियो सेकंड ऑप्शन देखि अगेन n जगह 1 पकेबा 1 * 1 + 1 1 + 1 केते 2 2 2 कैंसिल तले एठी भी रहला 1 हां ये भी सेकंड ऑप्शन में मैच करू छी बट थर्ड ऑप्शन देखिबा तले n स्क्वायर - 1 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गेला बट हम जान छ समेशन 1 टर्म तो 1 आसीबा दरकार बट एटी तो 0 आसीले त माने ये हेई परबो नहि आंसर अगेन फोर्थ टर्म देखिबा दैट इज n स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 केते 2 ये भी हेई परबो नहि कहि समेशन 1 टर्म तो 1 हो दरकार तले नेक्स्ट आसीबा तले एटी तो दीटा ऑप्शन मैच कला तले समेशन ऑफ 2 टर्म देखिबा तले समेशन ऑफ 2 टर्म देखिबा तले समेशन ऑफ 2 टर्म केते हबो देखो 2 टर्म मींस फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज 1 + 3 केते हबा दरकार 4 आज देखले एटी पकेबा तले n स्क्वायर केते हला 2 रो स्क्वायर 4 हां ये तो मैच करू छी अच्छा ये देखिबा 2 * 2 + 1 काई मेठी n जार 2 पकउ छी समेशन ऑफ 2 टर्म बाहर गुल छी केते हो सी मोर 4 आउ सी मो ऑप्शन चेक करबी तले n जगह 2 * 2 + 1 2 + 1 केते गला 3 तले 2 * 3 / 2 2 2 कैंसिल तले आंसर केते ला 3 बट हमर आंसर हबा दरकार 4 त माने दिस इज नॉट द आंसर दिस इज नॉट द आंसर तले फर्स्ट ऑप्शन को डाला ए n स्क्वायर बट देखो यदि तुम्हारे टिके बेसिक कांसेप्ट क्लियर थिबो तारे डायरेक्ट तुम आखि बंद करिक n स्क्वायर कहि परिबो काहेकि ने जेमि तमे पढ़ी थिले 1 + 2 + 3 + 4 लाइक दिस अप टू n टर्म वर्जन आर फार्मूला कोन डिस्कशन करथिले फर्स्ट क्लास रे n होल इनटू n + 1 / 2 दिस इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 नेचुरल नंबर तो स्टार्ट तो हो 1 कंपलसरी तले 1 + 2 + 3 कोन कहि दिली सीरीज ता 1 नु स्टार्ट हेतिबो एंड कॉमन डिफरेंस भी 1 1 आस्तिबो तले समेशन ऑफ n टर्म फार्मूला कोन हबो n होल इनटू n + 1 / 2 बट सब ऑड नंबर रो समेशन सब ऑड तमे आगुर जदी क्वेश्चंस करीथिबो एग्जाम रे देखु देखु ए क्वेश्चन आमे आखी बंद करी आंसर दबा n स्क्वायर काहे कि सब ऑड नंबर रो समेशन नो स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर जेतेटा तमे ऑड नंबर ऐड करीबो जेतेटा देखु न मु तीनटा ऑड नंबर ऐड करली 1 2 3 फर्स्ट ऑड नंबर सेकंड ऑड नंबर थर्ड ऑड नंबर तले 1 + 3 4 + 5 9 दैट इज 3 रो स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 केतरा नंबर ऐड करली 4टा नंबर ऐड करी 4टा नंबर केता हो 16 डेफिनेटली हबो ही हबो कहीं 4टा ऑड नंबर स्क्वायर केता हो ना 4 स्क्वायर देखो 7 + 5 12 + 3 15 + 1 तले तले देखि देले हमें सीक्वेंस ता कोन आसला 1 3 5 7 ये ऑप्शन किछि भी चेक करिया दरकार नै किछि भी चेक करिया दरकार नै आखी बंद करी के हम कहिबा n स्क्वायर बट ता पे तुमरो आगुरु किछिटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थिबा दरकार जदि एग्जाम रे तुमे प्रैक्टिस करिवो तले हो प्रैक्टिस आगुरु करीथिले एग्जाम रे तार बेनिफिट्स मिलिवो बट जदि एग्जाम रे प्रैक्टिस करिवो तले नेक्स्ट एग्जाम रे तुमको बेनिफिट्स मिलिवो यस और नो ओके नेक्स्ट देखियो हमें थर्ड क्वेश्चन कहूची इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 100 In an AP, the first term is 100 and common difference is minus 1. And common difference, that is D, common difference is minus 1. Then find the 100th term. Then find 100th term. And the options are -2 -1
1, 2 देखा ये सब क्वेश्चन 5 सेकेंड भी सफिसीयंट क्वेश्चन को सॉल्व करिया पे 5 सेकेंड देखो से कौन कहूँ इन एन एपी द फास्ट टर्म इज 100 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1 देन फाइंड द 100 टर्म फास्ट टर्म कह दीजिए 100 तले हम देखिबा सीरीज टा कोड स्टार्ट होची तले फास्ट टर्म होची 100 देन कॉमन डिफरेंस के दैची ना -1 आउटे पुरो कहितले डिफरेंस टा केम देखा जे फास्ट टर्म सेकंड टर्म जति के आड हेतो से कोची कोनो डिफरेंस डी होची -1 तमने -1 आड होची तले 100 प्लस -1 दैट इज 99 98 लाइक दिस तले पचारची 100th टर्म टा केता हबो सो पचार छी 100th टर्म टा के ठीक अछि मु फर्स्ट आमे फार्मूला पके सॉल्व कर छी देन बिना फार्मूला मु कहबि आंसर विद इन 1 सेकंड रे आमे केमित कहि परिबा अच्छा ठीक अछि हमर 100th टर्म पचार छी आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारि छे nth टर्म पई फार्मूला तले 100th टर्म पई फार्मूला कण हबो ना a प्लस n माइनस 1 * d हमर फार्मूला कण a प्लस n माइनस 1 * d ए केते फर्स्ट टर्म 100 देन n के तो 100 टर्म दरकार दैट इज 100 माइनस 1 दैट इज 99 d केते माइनस 1 डायरेक्टली कुछ 100 माइनस 1 हमर 100 टर्म दरकार 100 माइनस 1 99 d हमर देज केते माइनस 1 दैट इज 99 * माइनस 1 दैट इज माइनस 99 तले केते हेगला प्लस 1 हेगला तले हमर आंसर की ऑप्शन सी हमर आंसर की ऑप्शन सी बट देख हमे केमती लॉजिक जस्ट अप्लाई करिवा मु जाननी सीरीजटा कौन हम देखिए सीरीजटा 100 99 98 लाइक दिस तर सीरीजटा को तुम ओल्टा पढ़ी आसवा तर सीरीजटा को मुल्टा पढ़ी आसमी तेल मत कहते फास्ट टर्मटा के देख आम जब ओल्टा आसवा रिवर्स मुझे देख गोटे एग्जांपल मैंने सपोज ए बी सी डी ई एफ देख जब यहाँ फास्ट टर्म फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जब मुझू रिवर्स काउंट करी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तमन जदि मु लेफ्ट रु काउंट करछि जदि लास्ट टर्म टाला सिक्स्थ नंबर टर्म तले राइट रु काउंट करले फर्स्ट आइज सिक्स्थ नंबर टर्म तले हमर धर सीरीज टाइम पचार छी 199 98 लाइक दिस पचार छी 100th टर्म टा केते हबो तले भाबी आसीलो जे जदि हम इमिति राइट रु आसीबा कोन हबो 1 1 बडी बडी आसी तले डीटा 1 तले इमिति फर्स्ट टर्म टा तमे केते नै थिले 100th टर्म रो 100 आसीबो फास्ट टर्म टा केते नहीं थिले 100 टर्म 100 आसीबो 1 2 3 4 5 तो मिते बढी बढी आसी ना 1 1 बढी बढी आसी तले फास्ट टर्म टा तो ओबवियसली 1 हेइथिले तो 100 बळ 100 रे पहुचिबो फास्ट टा दी 1 हला सेकंड टा 2 हबो थर्ड टा 3 हबो तले 100 टा तो 100 हबो ही हबो त माने आमे जानि सले कोना देखो मु कोन कहि छी ई जदि आमे लेफ्ट रु काउंट करी करी जिबा जोटा हौ छी 100th टर्म जदि आमे राइट रु काउंट करीबा सेटा को आमे फर्स्ट टर्म नेले 100 टा त 100th टर्म हबो त जदि आमे राइट साइड रु आसु जे 1 1 बढी बढी आसु जे तले जे केते नंबर टर्म 100th नंबर टर्म टा 100 हबो तले फर्स्ट नंबर टा केते हिदिबा दरकार 1 हिदिबा दरकार दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑलराइट आमे बिना माने फार्मूला पके भी करि परबा बट कांसेप्ट हो जे यदि लेफ्ट रु काउंट करू छे 100 टा जदि फर्स्ट टर्म 100th टर्म टा 100 हो जदि राइट रु काउंट करिबा 100th टर्म टा जी हो ताकु जदि आमे फर्स्ट टर्म काउंट करिबा त लिए त हमर 100th टर्म ही पहुचो देखो एग्जांपल सेही भला देई जेबा क्वेश्चन देई छी सेही भला एग्जाम रो क्वेश्चन ये मु मनर कोनी एग्जाम रो ही क्वेश्चन तले 100th टर्म 100 हो तले ओबवियसली फर्स्ट टर्म फर्स्ट दैट इज 1 ही हबो ओके देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब क्वेश्चन फॉर्मूला रे हे परिबो बट जति की लॉजिक हमें इंप्रूव करिबा हमको सेति की कैलकुलेशन सेति की हमको रिलैक्स मिलिबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जी इन एन एपी 7th टर्म 20 देन 18th टर्म 42 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस देखो एपी सीरीज बहुत इजी मु जानि परछि तुम मानन भितर केतन बोर भी हे जाउ थिबो जे सेम जिंस हैं तुम मानकर स्टैटिस्टिक्स दरकार प्रोबेबिलिटी दरकार पॉलिनोमियल दरकार बट डोंट वरी हमें ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कशन करिया बट 1 बाय 1 ऑप्शन सी 3
बट डोंट वरी जे मु खाली एपी सीरीज इजी चैप्टर टा पढ़े देबी आ प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट चैप्टर को जीवी नी हाँ कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ेबी डोंट वरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेबी प्रोबेबिलिटी पढ़ेबी आम सब पढ़िया न्यू ईयर बिफोर भी आम सिलेबस जैसे मुझे 75% पॉलीनोमियल स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जब मेंस्ट्रुएशन भी एंड एपी सीरीज आम सब कंप्लीट करवा तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डोंट वरी आ पॉलीनोमियल बहुत बढ़िया पढ़ा लास्ट ईयर पॉलीनोमियल बहुत इंपोर्टेंट थिला 28 मार्क्स आसला आउट ऑफ 100 रो बट डोंट वरी आम बहुत बढ़िया से पॉलीनोमियल भी पढ़ा देख क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन कौन इन एन एपी सेवेन्थ टर्म 20 18th टर्म है 42 से पचार फाइंड द कमन डिफरेंस देख आम लास्ट क्लास भी आम ये टाइप क्वेश्चन भी करे मत फास्ट को सेवेन्थ टर्म रु 18th टर्म भितर डिफरेन्स के आसो दैट इज 18 माइनस 7 11टा डिफरेन्स आसो जदि किए लास्ट क्लास क्वेश्चन मैंने एक्जामपल मिस करते कहीदे सेवेन्थ टर्म पर कौन हम दैट इज ए प्लस 6d कहीं एन्थ टर्म फर्मुला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सेम एन टर्म टा के हम ना ए प्लस 17 डी देख एटी भी ए अच्छी एटी भी ए अच्छी एटी सिक्स अच्छी एटी 17 अच्छी डिफरेन्स के इलेवेन मुझे कही कम जाना डायरेक्ट 18 माइनस 7 दैट इज 11 डी दैट मीनस 11टा डिफरेन्स एंड 11टा डिफरेन्स के 42 माइनस 20 दैट इज 22 दैट इज 11टा डिफरेन्स जब 22 देन गोटे डिफरेन्स के हम 2 बट एटी टिके देख माइंड कर आल आम जानगले डी डिफरेन्स के 2 बट देख जी सेम क्वेश्चन जदि सेभेन्थ टर्म टा दे था 42 18 टर्म टा दे था 20 तेल तुम माइंड में भाव जो आम प्रोग्रेसटा कौन हो धीरे धीरे डाउन 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 हो जाए डी डिफरेन्सटा के माइनस 2 ही था देख सेम क्वेश्चन आम करे एग्जाम सेम क्वेश्चन आसो तुमको देखने लगे हाँ यही क्वेश्चन टा कहीं जस्ट चेंज कर देव सेभेन्थ टर्म दे 42 18 टर्म दे 20 तुम कह रहे आम तो 2 ही आंसर आसाला हाँ बट देख आम कौन हो बढ़ुचे ना खसुचे 20 थे सेभेन्थ टर्म में थे 18 टर्म में आम बढ़ी बढ़ी 42 पहुंचे तमें उपरक उपर जाऊे तमें डिफरेन्सटा डेफिनेटली पॉजिटिव ही आसो दैट इज प्लस 2 बट जब सेम क्वेश्चन सेभेन्थ टर्मटा कह 42 18 टर्मटा कह 20 तमें आम 42 20 को आसते आम कौन डाउन होचे सही कैसे डी डिफरेन्स के माइनस 2 डिफरेन्स तुम जानदेव फास्ट 18 माइनस 7 दैट मीन 11टा डिफरेन्स 42 माइनस 20 11टा डिफरेन्स 22 1 डिफरेन्स 2 बट देखिबा आम बढ़ुचे ना खसुचे खसुचे तो डिफरेन्स माइनस आसो चढ़ुचे उपरक उठुचे तमें डिफरेन्सटा पॉजिटिव आसो देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट वरी वीडियो रे जहाँ भी किसी छोट छोट प्रॉब्लम अच्छी जमी लाइट टे कम अच्छी डोंट वरी धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो बट आमर कंटेंट्स ऊपर ध्यान देवार अच्छी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म डी इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन फाइंड एस एन डी दे दीजिए ओके एन इज इक्वल टू 10 एन इज इक्वल टू 10 देन फाइंड एस एन तमाने से कौन पचार आमर सीरीजटा हूँ ए फास्ट टर्म डिफरेन्स अच्छे 4 प्लस 4 अच्छे तमें आम कहे उपरको उठुचे दैट इज 7 11 15 लाइक दिस् से पचार एन वैल्यू दे 10 तमाने समेसन अफ 10th टर्म मैंने टोटल 10 टर्म्स रम दैट मीन 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 ये भाया 10टा टर्म रही समेसन पचार आम डायरेक्ट पढ़चे समेसन अफ एन टर्म फर्मुला एन अपन 2 होल इन टू फास्ट टर्म प्लस एन्थ टर्म फास्ट टर्म प्लस एन्थ टर्म अदरवाइज ए प्लस एन माइनस वन इंटू सरी टू एन अपन 2 होल इन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक अच्छे तो आम ताक भी पकई पारा आपको भी पकईवा जमी भी करमर तो एन वैल्यू जना 2 सरी 10 10 अपन 2 के डायरेक्ट मुझे लिखी थी 5 देन फास्ट टर्मटा के 3 देन कथा 10th टर्मटा के कथा 10th टर्मटा के जाना दरकार 10th टर्मटा दैट इज 8th टर्म ना आम समेसन अफ एन 10 टर्म बाहर कर अच्छा देख ये तुम्हें जापर जे प्रकृति में आमर डिफरेन्स के 4 4 4 4 4 फास्ट टर्मटा के देख ल 3 अच्छी
मुझे एमती कहीपरि फोर इंटु वन माइनस वन फोर इंटु टू माइनस वन फोर इंटु थ्री माइनस वन फोर इंटु फोर माइनस वन तुम जी नंबर टर्म फोर से मल्टीप्लाई वन कमी जाऊँगी केम जानव ए आईडियाटा मो माइंड को कमी स्ट्राइक कला आज ये फोर रल्टिपुल किए फास्ट फोर मल्टीपुल फोर थ्री अच्छी फोर रेकेंड मल्टीपुल किए एट सेवेन अच्छी फोर थर्ड मल्टीपुल किए ट्वेल्व के इलेवेन अच्छी तेल मतलब कहला लास्ट टर्मटा के हम टेन्थ टर्मटा के हम ना फोर टेन्थ मल्टीपुल माइनस वन दैट इज फोर्टी माइनस वन तेल के थर्टी नाइन तो होती पकड़ थर्टी नाइन तेल थर्टी नाइन प्लस थ्री दैट इज फोर्टी टू इंटू फाइव 42 into 5, 210 is the answer. यदि ए कनसेप्ट तुम माइंड को स्ट्राइक करो तुम पक फर्मुला कौन पकेब एस एन सेकेंड फर्मुला पकेब एन अपन टू होल इंटु टू ए प्लस एन माइनस वन इंटु डी दिश ये फर्मुला पक बाहर कर अदरवाइज कौन ये फर्मुला मत कौन मत यू कैलकुलेशन टा कली कैलकुलेशन टा विदाउट पेन मुझ माइंड करदे कहीं मुझे जानी एन अपन टू होल इंटू फास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लास्ट टर्म टाइम ये फोर मल्टीपुल फास्ट मल्टीपुल वन कम फोर सेकंड मल्टीपुल वन कम फोर थर्ड मल्टीपुल वन कम तुम ये टेन्थ टर्म टाइम ना फोर टेन्थ मल्टीपुल वन कम दैट इज फोर इंटु टेन फोर्टी हूँ टेन्थ मल्टीपुल वन कम हम दैट इज थर्टी नाइन तेल फास्ट टर्म थ्री टेन्थ टर्म थर्टी नाइन थर्टी नाइन प्लस थ्री फोर्टी टू टेन बै टू मल्टीपल दैट इज फाइव ये कैलकुलेसन टाइम माइंड में करपर फोर्टी टू इंटु फाइव फोर्टी इंटु फाइव टू हंड्रेड टू इंटु फाइव टेन दैट इज टू हंड्रेड टेन इज द आंसर अदरवाइज ए फर्मुला पकड़ कर देन नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस देखो तुम माइंड रू रहा दरकार जो क्वेश्चन तुम पाइल फॉलोइंग ये ऑप्शन भितर ही चूज करा पड़ी तुम माइंड रू बाहर कर दरकार नहीं फॉलोइंग सीक्वेंस निम्नलिखित तो भितर ही गोटे चूज करा पड़े तो ये टाइप क्वेश्चन देखी के फॉलोइंग क्वेश्चन तो सी पचार सर बिना ऑप्शन रू किंतु करवा अरे फॉलोइंग पचार माने तो सी ऑप्शन भितर ही कौटा को पचार तुमको माइंड रू क्वेश्चन आंसर बाहर करने कहूनी फॉलोइंग माने निम्नलिखित भितर तुम्हें कौटा गोटे चूज कर तो फॉलोइंग क्वेश्चन को आसिक कह मुझे बिना ऑप्शन के कमी करें फॉलोइंग क्वेश्चन माने ही ऑप्शन रु करिया कोई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑप्शंस आर वन थर्ड टू थर्ड वन फोर अपन थ्री लाइक दिस देखो ये सब इजी इजी क्वेश्चन तुम खाली कैलकुलेशन फास्ट थी दरकार तुम्हें माइंड रे कैलकुलेशन कर पार्थिले इजिले आंसर हो पार थ्री अपन फाइव फोर पॉइंट सेवेन लाइक दिस ऑप्शन सी माइनस थ्री माइनस टू जीरो थ्री सेवेन ट्वेल्व ऑप्शन डी वन टू थ्री फोर फाइव देख मुझे जानी तुम ऑप्शन लिख लगे तुम कह सारे ऑप्शन सी हम आंसर कहीं माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन बट ये तो प्लस वन माइनस वन कहीं आसा क्या अदरवाइज थ्री सेवेन के डिफरेंस फोर सेवेन ट्वेल्व डिफरेन्स तो फाइव है कमन एपी रिम एपी रहा तो कमन डिफरेन्स रहा दरकार देन दिस इज नॉट द आंसर देन दिस इज नॉट द आंसर बट देख मो कह कहता जी ये टाइप न था धर आउ सपोज किसी फ्राक्शन था देख मो कह कहता आंसर तो आम यहाँ पाइले बट कहीं आंसर हेनी से जाना दरकार जो तुम्हें ये क्वेश्चन ऑप्शन देखु देखु तुम जानपर दरकार डीटा होती वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड था टू थर्ड है तुम आउट वन थर्ड आड है टू थर्ड पुणी आउट वन थर्ड आड है पूरा टोटाल होगा वन पुणी वन में आउट वन थर्ड आड है फोर अपन थ्री मोर कह मीनिंग या तो देखु देखो आम आंसर कही देखा जो ऑप्शन सीटा हम आंसर कहीं ही एपी सीरीज रे ना बट मोर कह मीनिंग हूँ यही क्वेश्चन देखु देखु तुम्हें जापर दरकार जो ऑप्शन ए रे एपी सीरीज रे अच्छी ये तो नहीं बोलिक जना पड़ जा
ମୋର ଏଇସବୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଟ୍ ଆକୁ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସେଇଟା ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ କେତେଜଣ ତୁମ ଭିତରୁ 100% ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ସି ଲେଖିନଥିଲି ତୁମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ସିଓର ଥିଲେ ନାହିଁ ଏ ସି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ତ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼, ସେମିତି ଅପସନ୍ ସି ବି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହଁ ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରୁଥ କଥା ହଁ ଏଇଟା ବି ଏପି ସିରିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଡିଟା ହେଉଛି କେତେ 1.2, ସେତିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି 3 ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଏପି, କେତେ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 7 କି 8, ଓକେ ଲିଭ୍ ଇଟ୍, 3 ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଏପି, 3 ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଏପି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ସମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ସମ୍ ଇଜ୍ 18, and their sum is 18 and product is 192 and product is 192, find the numbers, this is very very important question, ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି 3 ନମ୍ବର ସାରି ନେପି, 3 ନମ୍ବର ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ସମ୍ ଇଜ୍ 18, ଆଉ ତିନିଟାକୁ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଥିବେ 18। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 192 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଧର ସପୋଜ୍ ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଛି 3 ନମ୍ବର ସମେସନ୍ ହେଉଛି 18 ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର କିଏ କିଏ କିଏ? ଦେଖ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କହୁଛି 3 ନମ୍ବର ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ କହୁଛି 18, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ 3 ନମ୍ବର କୁହ ଯେଉଁମାନେ କି ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ବି ଥିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଟା ହେଉଥିବ 18। କେମିତି ଜାଣିବା? ସମ୍ଟା ଯାହା କହିଛି ଯେତେଟା ନମ୍ବର କହିଛି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। 3 ନମ୍ବର ସମ୍ କହୁଛି, କେତେ କହୁଛି 18, ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତା'ମାନେ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି କେତେ ହବ 6 6 6, ଇଏ କ'ଣ ଏପିରେ ରହିଲେ କି ନା? ତାହେଲେ ଏପିରେ କେମିତି ରହିବେ? ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ସମ୍ଟା କହିଥିଲା 18, କେତେଟା ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ମାଗ, 3 ଜଣ ଭିତରେ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ଆକୁ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଆଣିବା କେମିତି? ଆକୁ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଆଣିବା କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରୁ କିଛିଟା କାଢ଼ି ନିଅ, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ମିଶେଇ ଦିଅ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟିକି ବସିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠୁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ 1 କାଢ଼ିକି ନେଲି, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ମିଶେଇଦେଲି, ଇଏ ହେଲା 5, ଇଏ ତ 6 କୁ 6, ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 7। ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 5 6 ଡିଫରେନ୍ସ 1, 6 7 ଡିଫରେନ୍ସ 1, କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲେ ତ ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ହେବେ ହିଁ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଟା ତ 18 ହବ ହିଁ ହବ କମ୍ପଲସରି, କାହିଁକି ସମ୍ 18କୁ ମୁଁ ଖାଲି 8 ନେଇକି ତାଠି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଗେନ୍ ଏପି ସିରିଜ୍ କେମିତି କରିବା? ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମୁଁ 2 କାଢ଼ିବି, ସେଠି ନେଇକି 2 ଦେବି, ଏଠୁ 2 କାଢ଼ିବି, ଏଠି 2 ଦେବି। ଦେଖ ଏଠି 2 କାଢ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଲା, 6ରୁ 2 କାଢ଼ିନେଲି 4, ମିଡ଼ିଲ ନମ୍ବର ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମିଡ଼ିଲ ନମ୍ବର ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ସେ 2 ନେଇକି ଆକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆର 6 ଜାଗାରେ 8ରୁ 2 ନେଇକି ଆକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖ 4 6 8, ସମ୍ ତ 18 ହବ ହିଁ ହବ, କାହିଁକି ମୁଁ 18ଟାକୁ ହିଁ ତ ଭାଗ କରି ଲେଖୁଛି ନା, ବଟ୍ ଦେଖିଲ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 2, ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 2, ହଁ ଏପି ସିରିଜ୍ ତ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। ଦେଖ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଏଠୁ 3 କାଢ଼ିବି, ସେଠି 3 ନେଇକି ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, 3 6 9, ଦେଖ ଏମାନେ ବି ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଆସିଲା, 5 6 7, ସମ୍ ବି 18 ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 4 6 8, ସମ୍ ବି 18 ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 3 6 9, ସମ୍ ବି 18 ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି, 5 6 7 ହବ କି 4 6 8 ହବ କି 3 6 9 ହବ? ହଁ ଆହୁରି ବି ହେଇପାରିବ, ଏଠୁ 4 କାଢ଼ିନେଇକି ସେଠି 4 ଦେଇଦେଉନ, ଏଠୁ 4 କାଢ଼ିନେଲେ 2 6 10, ହଁ 2 6 10, ସେମାନେ ବି ଏପି ସିରିଜ୍ ରହିବେ। 5 କାଢ଼ି ନେଇଯାଅ, 1 6 11, ସେମାନେ ବି ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ରହିବେ, 1 6 11, ସେମାନେ ବି ଏପି ସିରିଜ୍ରେ ରହିବେ। ବଟ୍ ସେ କହିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର, 192, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର 192। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 5 × 6 30 × 7 210, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର, 4 × 6 24, 24 × 8 4 × 8 32, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ 3 × 6 9, 3 × 6 କେତେ 18, 18 × 9
18 into 9 देखो 18 into 9 केता हो 18 into 10 हे इतले केते ही थांदा जदी धर सपोज 4 6 8 रे तमरो कन्फ्यूजन होची ये 192 होची ना नै ये 192 होची ना ठीक अछि नो प्रॉब्लम जदी 4 6 8 ननेबा तले 3 6 9 मिलबा अच्छा 3 into 6 केतला 18 18 into 9 अच्छा 18 into 10 हबो तो 180 तार तो ये 18 कमी लन दैट इज 162 बट ये तो कोई 192 तार तो कमी गेलानी तले ये हमारो चांस ही नहीं अच्छा देखि देबा अदरवाइज 8 into 4 32 32 into 6 32 into 6 30 into 6 180 6 into 2 12 180 plus 12 this is the answer 192 आसुछि तला हमर आंसर कोटा हबो 4 into 6 into 8 4 into 6 into 8 this is the answer then next question next question the first term of an ap I think maybe this is the example number 9 the first term of an ap is minus 3 that is a hegala minus 3 and common difference is 2 and common difference is 2 what is the sum of or find the sum of 11 terms find the sum of 11 terms this is called the first term of an ap is minus 3 a and the common difference is 2 dekho plus 2 koi tamane am kon hobo agu badhiba upur ko badhiba minus 3 that is plus 1 then again 1 sorry minus 1 kai am 2 badhiba na minus 3 plus 2 that is minus 1 then minus 1 plus 2 1 3 5 7 like this तल से पचार छी ए भला 11th टर्म रो सॉरी 11th टर्म रो सम ता केते हो 11th टर्म रो सम ता केते हो माइनस 3 माइनस 1 1 3 5 7 ठीक अछि हम फर्स्ट देखिबा फार्मूला पुई करिया पर देखि हम कोन करि परिबा तले समेशन ऑफ 11 टर्म दैट इज 11 अपॉन 2 होल इनटू 2 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 3 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d n माइनस 1 केते गेला 11 माइनस 1 डी हला डिफरेंस केते 2 डी हला डिफरेंस केते 2 तले केते गला 11 अपॉन 2 दिस इज माइन 11 माइनस 1 10 10 इनटू 2 20 दिस इज माइनस 6 20 माइनस 6 दैट इज 14 कैंसिल करके दे 7 दैट इज 77 तले केते